दौड़ते भागते चीखते चिल्लाते लोग, ये गवाह है लोकतंत्र पर किस तरह से लाठी तंत्र हावी है। ये नज़ारा है बिहार की राजधानी पटना के बीजेपी कार्यालय के बाहर का। दरअसल अपने हक को मांगने के लिए ग्राम रक्षा दल के लोग पटना पहुंचे थे, लेकिन उन पर देखिए बिहार पुलिस के द्वारा किस तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठी बरसाई जा रही है। उनको पीटा जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है, उनको दौड़ाया जा रहा है। दरअसल ये बिहार में इन दिनों हो रहा है, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, ये आरोप लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है। फिर से एक मामला सामने आया है जो आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं, किस तरीके से लाठी तंत्र लोकतंत्र पर हावी है। डंडों से पीटा जा रहा है, बूट से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। ये तस्वीर पटना का है, वीरचंद पटेल पथ का है, जहां पर बड़े बड़े जो पार्टियां बिहार की उनके ऑफिसेस हैं। दरअसल बिहार के अलग अलग ज़िले से ग्राम रक्षा दल के लोग पटना पहुंचे थे अपनी हक को और जो हुकूक है उनकी मांग को लेकर के, लेकिन उनकी मांग ना तो सुनी गई ना ऊपर पहुंचाई गई। उनकी मांग थी उनका परमानेंट किया जाए, उनका वेतन जो है बढ़ोतरी किया जाए, उनकी मांग को तो सुनी नहीं गई, उल्टे में उन पर लाठी बरसाई गई है बिहार पुलिस के द्वारा। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख पा रहे हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर का नज़ारा है, और उसके सामने सैकड़ों की संख्या में, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जो ग्राम रक्षा दल के लोग हैं उनको घसीट घसीट करके भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। एक शख्स गिर जा रहा है, फिर भी उठा करके उसको मारा जा रहा है। ग्राम रक्षा दल बिहार पुलिस का ही एक अंग है, वही अपना मांग को लेकर के पटना पहुंचे थे, लेकिन उनकी मांग सुनी नहीं गई, उनको पीटा गया है। तो चोट लगा है, मारा है, इसलिए मारा है। ग्राम रक्षा दल में काम करते हैं, ये प्रशासन हमारी मारामारी हुआ है, पुलिस ने पीटा है। हाँ पीटा है पुलिस, हाँ ग्राम रक्षा दल साथियों को मार रहा है पुलिस। हम लोग के साथ न्याय हो रहा है, नीतीश सरकार न्याय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग मर जाएंगे। तेजस्वी यादव और विपक्षी पार्टी लगातार देखिए एनडीए सरकार पर आरोप लगा रही है, नौकरी नहीं दे रही है। जिस तरीके से बीते दिनों बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, लाखों लोगों को नौकरियां मिली, लेकिन जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है जो हक मांगने के लोग पटना पहुंच रहे हैं उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। और इस बात को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगातार भी हो रही है। अब तस्वीर देखिए किस तरीके से क्या कुछ नजर आ रहा है, इसी तस्वीर के साथ छोड़े जाते हैं फिलहाल इस खबर में। बहुत बहुत शुक्रिया।